नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और नवंबर से देश में शादियों का मौसम शुरू हो जाएगा और दिसंबर तक चलेगा। केट का मानना है कि सिर्फ 18 दिनों में 48 लाख शादियां होंगी, इसमें से करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस बार शादियों का कैसा रहने वाला है गणित, यहाँ पर खासकर ज्वेलरी सेक्टर के लिए यहाँ पर किस तरह के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली ऐसे समय में जब सोना यहाँ पर ऑल टाइम हाईज पर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं केट के नेशनल सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल, साथ ही गैनाराम एंड सन्स ज्वेलर्स के डायरेक्टर पुनीत मेहरा, वहीं एंजल वन के DVP प्रथमेश माल्या, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती भी होंगी हमारे साथ। बात यहाँ पर सोने की है तो पहले उसी से शुरुआत कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप प्रथमेश, सोने के प्राइसेस को यहाँ से ऑल टाइम हाई से कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है? आई थिंक मनीषा क्लियरली 75,000 76,000 टू बी वेरी प्रिसाइज, और प्लस 22 कैरेट की बात करें तो अराउंड 71,000, सो आउट ऑफ रीच ऑफ रिटेल कस्टमर्स, तो क्लियरली काफी महंगा है। सो यस, यहाँ पे पॉसिबल है कि डिमांड लैक क्लस्टर होने की पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टॉप आउट होते हुए भी दिख रहा है मेरे ख्याल से मनीषा। यहाँ से पॉसिबल है कि 1,000-1,500 रुपीज करेक्शन भी आ जाए, तो फिलहाल जो मोमेंटम है, मोमेंटम के अगेंस्ट वैसे जाने की सलाह तो नहीं रहेगी, बट जिनको रिस्क लेना है और ट्रेड करना है तो थोड़ा सा टॉप आउट होते हुए दिख रहा है। एक 1,000-1,500 का करेक्शन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा है। वंदना, आपकी क्या सेंस है, आपको क्या लगता है गोल्ड प्राइसेस में? ऑफकोर्स बहुत ज्यादा हाई है प्राइसेस, पिछले साल के कंपैरिजन में ऑल टाइम हाईज हमने बनते हुए देखे हैं, इस मुनाफा वसूली में आप क्या करने की राय देंगी? मैं भी अग्री कर रही हूँ मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब रैली हीटअप हो गई है, ओवर स्ट्रेच्ड है और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन लेगी, प्रॉफिट बुकिंग भी इनफैक्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है आएगा, और INR में भी हम लोगों ने अप्रिशिएशन आता हुआ देखा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड को सेल करना चाहिए। 74,850 के करीब अगर सेल करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 74,500 पे प्राइसेस आ सकता है इजिली। टारगेट लगाना होगा, SL लगाना होगा 75,000 का, और थोड़ा अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस इस हफ्ते हो सकता है कि 74,200 तक भी आए, तो मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता थोड़ा सा करेक्शन का होगा। इनफैक्ट सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 90,000 से लेके 89,500 तक करेक्ट होके नीचे आ सकता है। ऑलराइट, तो रैली हीटअप हो चुकी है, सोने के प्राइसेस में कुछ यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, जो शादियों के लिहाज से ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि प्राइसेस हमने 75,000 के ऊपर तो यहाँ पर MCX पे ही जाते हुए देखे थे, और अगर स्पॉट मार्केट्स की बात करें तो 76,000-77,000 तक भी प्राइसेस गए हैं, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में खरीदारों के लिए और जिनकी शादियाँ हैं उनके लिए ऑफकोर्स एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन पहले पूरे शादी के बिजनेस को ही समझ लेते हैं। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार। और केट ने हर साल की तरह यहाँ पर भी रिपोर्ट जारी करी है जिसके ऊपर बाजार की नजर है, शादियां ज्यादा हैं, खर्चे भी ज्यादा हैं और सोने के प्राइसेस तो बहुत ही ज्यादा हैं। कैसे देखते हैं आप इस बार ये नंबर्स? देखिए, मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट हमने आज रिलीज की है और जिस प्रकार का ट्रेंड हमको सभी सिटीज में देखने को मिला है, जिसमें कुछ Tier 2 और Tier 3 की सिटीज भी है, तो शादियों को लेकर के लोगों में एक उत्साह है। इसीलिए लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल शादी की जो ऑस्पिशियस रेट्स हैं वो भी 11 की जगह 18 हैं, और उस नाते से लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार लगता है कि वो गुड्स और सर्विसेज में शादी के सीजन में होने वाला है, और देश भर के व्यापारियों ने उसके लिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगभग सभी वेन्यूज जितने भी हैं पूरे देश में वो वेन्यूज तो बुक हो ही चुके हैं, बाकी तैयारियां भी चल रही हैं, तो अपबीट का माहौल है और हम सब लोग बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये 3 तारीख जब पहला नवरात्र शुरू होगा तब से देश भर में शादियों की खरीदी भी शुरू हो जाएगी। प्रवीण जी, जिस तरह के ट्रेंड्स हैं आपको क्या लगता है किन गुड्स या किन सर्विसेज में हम ज्यादा खर्चा इस बार होता हुआ देखेंगे? ठीक है, गुड्स तो वही एज यूजुअल जो आइटम्स हैं, चाहे वो गोल्ड है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो जिस स्केल पर हमारे यहाँ वेडिंग्स अब होती है उस स्केल्स को यदि हम ध्यान में लाएं तो साफ दिखाई देता है कि इवेंट और ये डेकोरेशन वो एक बड़ा हिस्सा किसी भी शादी का होते हैं, और यदि हम बात करें तो एक शादी की अगर हम टोटल बात करें तो लगभग 80% पैसा वो थर्ड एजेंसी को जाता है, और वो जो थर्ड एजेंसी को पैसा जाता है वही पैसा बाजार में रोटेट होकर के आता है। तो अगर इसको ध्यान से हम देखेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड दिखाई देता है
कि ये पैसा सीधा का सीधा वापस आता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार जो हमने लगाया उसमें कपड़े साड़ियां लहंगे वगैरह का टोटल शादी का 10% उसमें लग जाता है, 15% के लगभग ऑर्नामेंट में लगता है, 5% इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट्स है उसमें खर्च हो जाता है, लगभग 5% ड्राई फ्रूट में और 5% ग्रोसरी और वेजिटेबल्स में और लगभग 4-5% गिफ्ट आइटम में खर्च होता है। तो ये सारे आइटम अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे आइटम आम आदमी को कंट्रीब्यूट करते हैं और ये पैसा वापस इकोनॉमी में आता है। तो इसलिए इकोनॉमी में भी कैपिटल सर्कुलेशन बनता है जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रवीण जी, जैसे आपने कहा कि ऑफकोर्स एक परसेंटेज है, मोटा मोटी किसमें कितना खर्च यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। एक और नंबर जो केट के नंबर्स में देखने को मिला है वो ये कि जो शादियां हैं उसकी अब ओवरऑल इंडिया के हिसाब से उसकी 50-60% शादियां सिर्फ दिल्ली में यहाँ पर हो रही हैं। देखिए 50% तो नहीं है क्योंकि जो टोटल शादियां का एक अनुमान मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने लगाया है वो 48 लाख शादियां होंगी जिसमें लगभग 6 लाख करोड़ का व्यापार होगा। दिल्ली में लगभग 4.5 लाख ऑलमोस्ट 10% शादियां दिल्ली में होगी जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने लगाया है। दिल्ली बीइंग द कैपिटल और क्योंकि बड़ी सिटी है दिल्ली, मुंबई ये बड़ी बड़े शहर हैं, नागपुर है, जयपुर है, सूरत है, अहमदाबाद है, तो नेचुरली यहाँ पर शादियाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और इसी सारे इसमें हमने डेस्टिनेशन वेडिंग भी इसमें जोड़ी है जो कि आजकल एक ट्रेंड चल चुका है डेस्टिनेशन वेडिंग का। एब्सोल्युटली, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक शादी बनाती हैं, फिर चाहे वो खर्चे हैं, जगह है और किस तरह की चीज़ें किनको पसंद हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होल्ड ऑन करनी पड़ती हैं। प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो वो ऑफकोर्स केट के नंबर्स हैं जो उन्होंने फोरकास्ट के तौर पर रखे हैं कि कितने ऑस्पिशियस दिन हैं, कितनी शादियां हैं और किस तरह का खर्चा हर गुड्स में और सर्विसेज में हम यहां पर बनता हुआ देखते हैं। हम आज दिल्ली की यहां पर बात कर लेते हैं और सबसे पहले पुनीत जी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कहा गया कि देश भर की 10% शादियां यहां पर दिल्ली में हो रही होती हैं और काफ़ी खर्चा यहां पर हम बनता हुआ देखते हैं, किस तरह की ज्वेलरी बाइंग ट्रेंड्स आप यहां पर आता हुआ देख रहे हैं? जैसे कहा भी गया कि 3 तारीख से जब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तब लोग शायद यहां पर स्टेप आउट ज़्यादा करना शुरू करते हैं, कुछ मुनाफा वसूली भी सोने के प्राइसेज में देखने को मिली है, आप इस शादियों में फेस्टिवल सीजन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Manisha ji, I will start with that. I call gold as gold is God's own currency, so it will always shine. Demand बहुत अच्छी है, जबकि अभी शराब चल रहे हैं तब भी demand बहुत अच्छी है। कस्टमर अभी भी buy कर रहा है इस डर से कि नवरात्रों में शायद rate और बढ़ जाएगा, जो मुझे लगता है कि बढ़ेगा। तो demand इस बार सही मायने में बहुत अच्छी है। पहले जब duty कम करी थी government ने तब भी demand बहुत अच्छी आई थी, चाहे रेट बढ़ के वापस वहीं आ गया जितना ड्यूटी कम करने से पहले था, पर तब भी डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है। और जैसे कि डिमांड अभी शरादों में भी अच्छी बनी हुई है तो नवरात्रों में तो ऑब्वियसली यहाँ से बहुत बेटर होगी। तो गोल्ड से जो प्यार है हिंदुस्तानियों का वो हमेशा बना रहेगा, चाहे गोल्ड के रेट जितने मर्जी बढ़ जाए। ऑलराइट, पुनीत जी, जब गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट लंबे तौर से आती है या आपको लगता है कि लोगों के बजट होते हैं उसी हिसाब से वो उसमें वेटेज फिट कर लेते हैं? थोड़ा सा फर्क पड़ता है डेफिनेटली, कि अगर किसी ने 3 सेट लेने थे तो वो अगर बजट थोड़ा सा आउट होता है तो वो 2 लेता है, पर जैसे गोल्ड रेट बढ़ता है लोगों की इनकम्स भी बढ़ती हैं तो बहुत ज्यादा उस बात पे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कुछ हद तक डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का कस्टमर है, पर थोड़ा सा बजट में करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर राकेश जी को भी अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। राकेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्या खरीदारी है यहाँ पर? जैसे हमें पुनीत जी कह रहे थे कि बजट थोड़ा सा बन जाता है यहाँ पर क्योंकि सोने के प्राइसेस में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है। आप 15% जैसे केट हमें बता रहा था कि 15% शादियों का जो खर्चा है वो ज्वेलरी की तरफ जाता है, आप मानेंगे उसको या आपको लगता है कि जिस तरह से सोने के प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं शायद वो बजट बढ़ता हुआ दिखे? नहीं, मैं भी मानता हूँ कि जो आजकल जो सोने के जो प्राइसेस बढ़े हैं और जिस तरह अभी जो हमारे यहाँ पे जैसे शराद चल रहे होते हैं, शरादों के अंदर इतनी बुकिंग्स है हम लोगों के पास, तो उसका भी इफेक्ट अब जैसे अब नवरात्रे चालू हो जाएंगे, सब हम लोगों से जो कि परचेजिंग करेंगे, मतलब उसका मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार डिमांड भी बहुत अच्छी रहेगी। मगर नितिन जी ने, वो प्रवीण जी ने बोला था कि आजकल जो हमारा शादियों का जो जितना बजट होता है वो डेस्टिनेशन मैरिज या अदर खर्चे के अंदर सबसे ज्यादा जाने लग गया। परंतु क्या होता है कि आजकल हर आदमी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके आजकल अपना ओल्ड गोल्ड भी निकालने लग गया, जो
रुपी ज्वेलरी है वो भी आजकल हमारे को देख के उसके अगेंस्ट अपना नया सोना भी लेने लग गया, ये भी देखने के अंदर आ रहा है मार्केट के अंदर। तो ठीक है, मगर बहुत काम अच्छा है एट प्रेजेंट। जैसे शरादों में हम लोगों के पास पहले काम नहीं रहते थे, परंतु इस टाइम ऑर्डर बुकिंग बहुत है हम लोग। राकेश जी, कितना एक्सचेंज गोल्ड एज ऑफ नाउ यहाँ पर आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, एक्सचेंज गोल्ड भी अच्छा आ रहा है इस टाइम। नहीं तो पहले कोई भी जो हमारे पे जो ग्राहक होते थे, कस्टमर्स होते थे, वो अपना कभी भी ओल्ड गोल्ड लेके नहीं आते थे, परंतु एट प्रेजेंट आप समझना कि 5-10% 15% हम लोगों के पास ओल्ड गोल्ड की भी खरीदी रहती है, जो कि एक्सचेंज के अंदर कैश नहीं लेता वो, उसके बदले में अपना दूसरा ज्वेलरी को एक्सचेंज करता है। क्योंकि जो पहले मार्केट के अंदर मतलब विदाउट हॉलमार्क विदाउट HUID जो गोल्ड मार्केट के अंदर बिका हुआ है पहले, आज वो कस्टमर कहता है नहीं यार आगे पता नहीं उसका क्या भविष्य रहेगा, क्या फ्यूचर रहेगा, तो वो लोग हम लोगों से वो पुराना अपना सोना देख के और अपना नए ज्वेलरी या नए मतलब नए डिजाइन के अंदर अपने अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। राकेश जी, अगर पिछले साल के से कंपेयर करें, पिछले साल जो शादियों का सीजन था, इस बार माना जा रहा है ज्यादा अच्छे दिन हैं, ज्यादा शादियां भी हैं, आपको क्या लगता है क्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा सोना बिकता हुआ नजर आएगा? नहीं नहीं बिल्कुल बिकेगा। कि पहली बात, यदि हम लोग उसकी इन्वेस्टमेंट मतलब अमाउंट की बात करें तो वैसे ही गोल्ड आज के दिन बहुत महंगा है। लास्ट ईयर से आज 15,000 रुपीज पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट वैसे भी तेज है, तो वैसे भी ज्यादा रहेगा। काम काम में कोई किसी तरह का इस पर मंदा नहीं नजर आता। नहीं तो अभी हम लोगों को यदि मंदा होता तो अभी जो शराब चल रहे हैं उसी के अंदर ही पता लग जाता है आगे गोल्ड का फ्यूचर बढ़िया नहीं रहेगा शादियों, मगर गोल्ड का फ्यूचर अच्छा रहेगा। पुनीत जी, लोग जो खरीदने के लिए आ रहे हैं किस चीज पे बात कर रहे हैं? एज ज्वेलर्स आप उनको क्या बता रहे हैं? क्या मेकिंग चार्जेस पे बातचीत हो रही है, डिजाइन पे हो रही है, वेट्स पे हो रही है, लाइट वेट ज्वेलरी ज्यादा जा रही है, क्या कुछ आप ऑन ग्राउंड किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, फैलाव ज्यादा चाहिए लोगों को, बिकॉज रेट बढ़ गया है। तो जो तो टेक्नोलॉजी भी उसमें बेटर होती जा रही है, जो सेट पहले 200 ग्राम में बनता था आज वो 100 ग्राम में बन जाता है, क्योंकि लाइट वेट टेक्नोलॉजी बहुत सी आ गई है। तो थोड़ा सा लाइट वेट ज्वेलरी और डेली वेयर ज्वेलरी का ज्यादा ट्रेंड है। जैसे शादी में पहले बहुत बड़े बड़े सेट चलते थे, उतना ट्रेंड जो लोग कहते हैं कि बार बार यूज नहीं होंगे तो उसकी जगह वो 3-4 सेट लेना प्रेफर करते हैं, बट मोर ऑफ डेली वेयरिंग ज्वेलरी ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जो एक्स्ट्रा ज्वेलरी है वो हम डेली वेयरिंग के ले लें, जो हम बाद में भी यूज कर पाए। और साथ ही साथ पुनीत जी, अगर हम कैरेटेज की भी यहाँ पर बात करें तो क्या लोग लोअर कैरेटेज की तरफ जा रहे हैं और क्या वो अच्छी बात है? हाँ, थोड़ा सा ये है कि पहले इंडिया के अंदर सिर्फ 22 कैरेट ज्वेलरी ही चलती थी, पर अब 18 कैरेट ज्वेलरी का भी ट्रेंड आ गया है। तो उसमें क्या होता है कि फैलाव और बहुत ज्यादा आ जाता है, कि प्योरिटी तो अप्रोक्सीमेटली 15% ही कम होती है, बट उसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज करके आप बहुत हैवी लुक दे सकते हैं और लोगों के बजट में भी आ जाता है। तो उससे ज्वेलर्स को भी फायदा यह है कि हम लोगों का प्रॉफिट तो मेकिंग से है, जितनी ज्वेलरी बिकेगी उतनी ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा, तो वजन से इतना नहीं है। तो अगर हम लाइट वेट ज्वेलरी बनाते हैं 18 कैरेट की तो ज्वेलरी ज्यादा बिकेगी, ज्यादा बजट में आएगी, तो हमारा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही राकेश जी, क्या गोल्ड लोग ज्यादा यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं या आपको लगता है कि कुछ डायमंड प्रेशर स्टोन सेमी प्रेशर स्टोन की तरफ भी झुकाव है इस बार? गोल्ड के अंदर हम बात करते हैं 80% गोल्ड की ही डिमांड है। गोल्ड के अंदर भी जैसे कि जड़ाऊ सेट है, एंटिक सेट है, मतलब इस तरह की ज्वेलरी आजकल कस्टमर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है। डायमंड भी ठीक है, डायमंड भी 20% आज के दिन बिक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर गोल्ड की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट भी देखता है आज के दिन, है ना, मतलब हर कस्टमर को एक इन्वेस्टमेंट भी आगे अपने बच्चों का फ्यूचर भी देख के वो अपनी ज्वेलरी को परचेज करता है। एब्सोल्युटली, सोना ऑफकोर्स हमारे लिए हमेशा एक इन्वेस्टमेंट रहा है, ज्वेलरी तो रहा ही है, लेकिन जिस तरह की राकेश जी और पुनीत जी हमें बता रहे हैं कि इतनी हाई प्राइसेस पे भी इंटरेस्ट है यहाँ पर, लोग ऑफकोर्स अपना बजट देख रहे हैं, शायद कैरेटेज कम कर रहे हैं, लाइट वेट ज्वेलरी खरीद रहे हैं, लेकिन शादियों का सीजन है और अच्छा खासा स्पेंड इस बार यहाँ पर आने की एक्सपेक्टेशन भी है। बहुत शुक्रिया राकेश जी, पुनीत जी, आपका साथ जोड़ने के लिए और ज्वेलरी बाजार में क्या कुछ ट्रेंड्स हैं वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कमोडिटी स्ट्रेटजीज की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन प्रथमेश, जहां तक चांदी की बात है और पिछले हफ्ते 12 साल का हाई बनाने के बाद यहां पर भी कुछ गिरावट है, यहां पर अब क्या प्राइस ट्रेंड देखेंगे आप?
थिंक 95,000 जो है वो नीरेस्ट प्राइस है चांदी के लिए, जो प्रीवियस हाइस के करीब था। सो अगर रैली होनी है तो 95,000 आएगा पहले, लेकिन यहाँ पे गोल्ड के साथ मेरे ख्याल से सिल्वर भी जो है थोड़ा सा टॉप आउट होते हुए दिख रहा है, और पॉसिबली अराउंड एक 1,000-1,500 रुपीज का करेक्शन यहाँ पे सिल्वर में भी दिख रहा है। ऑलरेडी आज ऑलमोस्ट अराउंड 1% डाउन है, 700 से 750 रुपया। मेरे ख्याल से इसको सेल ऑन रैली करनी चाहिए, 91,000 के करीब इसको सेल करना चाहिए, 91,700 का स्टॉप लगाना चाहिए और टारगेट 90,000 के लिए रखने चाहिए। प्रथमेश, किसी को ज्वेलरी खरीदनी हो तो क्या करें? ज्वेलरी खरीदने हो अगेन इट इज हाई प्राइस कंपैरिजन टू गोल्ड, और सिल्वर भी महंगा है 90-95,000, बिकॉज जब आप फिजिकली खरीदने जाएंगे तो इट बिकम्स एक्सपेंसिव विद जीएसटी एंड मेकिंग चार्जेस। सो 90,000 का अगर अगर फिजिकल भाव भी है 1 किलो का, तो व्हेन यू गो एंड परचेस एक्चुअल आपको पूरा कॉस्ट जोड़ के 95,000 के ऊपर ही जाता है। सो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। ओके, कुछ इंतजार यहां पर करना चाहिए और भाव में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल भी सकती है। प्रथमेश, मेटल्स कैसे देखेंगे, क्योंकि आज हमने अगर इक्विटी मार्केट्स को भी देखा हो तो सारे के सारे इंडेक्सेस ऑलमोस्ट ऑन द वीकर साइड थे मेटल्स को छोड़कर। यस, आई थिंक चाइना के रिसेंट मॉनेटरी स्टिमुलस के बाद सारी मेटल्स में एक रैली आई है और थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। बट मेरे ख्याल से अगर आप कॉपर को देखेंगे 800 से लेकर बेस बनते हुए 870 तक पॉसिबल अपसाइड जा चुका है। सो ऑलमोस्ट अराउंड 10% की रैली हो चुकी है, तो जो भी फैक्टर इन होना था वो हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हुए दिख रहा है। मेरे ख्याल से कॉपर में सेल ऑन रैली करना चाहिए, 855 के करीब ट्रेड हो रही है, 860 में इसको बेचना चाहिए, 864 का स्टॉप लगाना चाहिए और टारगेट नीचे 850 के रखने चाहिए। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो पिछले हफ्ते की 3% की गिरावट के बाद आज कुछ स्थिरता देखने को मिली है, इवन सम बाइंग एशियन मार्केट्स में आज, यहाँ पर क्या राय है? आई थिंक विथ ऑल जियो पोलिटिकल टेंशन सप्लाई डिसरप्शन कहाँ से भी नहीं है, तो फिर ऑयल में जो भी रिस्क प्रीमियम क्रिएट होना था वो हो गया है, और 6,000 रुपीज अगेन मेक और ब्रेक सिचुएशन रहा है ऑयल के लिए, जहां से ऑयल प्राइसेस बार बार करेक्ट हुआ है। सो मेरे ख्याल से ऑयल को सेल ऑन रैली करना चाहिए, 5,750 के करीब इसको बेचना चाहिए, 5,830 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 5,550 के रखने चाहिए। ऑल राइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। वंदना, आपसे जानना चाहेंगे, प्रथमेश तो कह रहे हैं रुक जाओ प्राइसेस नीचे आएंगे तब लेना, लेकिन आप क्या कहेंगी, लेना चाहिए सोना चांदी अगर किसी को फिजिकल में शादी के लिए लेना हो तो? मुझे लग रहा है मनीषा, यहाँ पे 74,000 इस हफ्ते मिलना चाहिए, 74,000 73,800 के करीब ये लेवल्स मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि वहां पे लेना चाहिए। समवेयर मुझे लग रहा है कि 71,000 मिल जाएगा 22 कैरेट, तो एटलीस्ट 25% ऑफ बाइंग यहाँ पे कर लेनी चाहिए। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 89,000-88,000 जो प्रथमेश बोल रहे हैं, 1,000-1,500 पॉइंट का यहाँ पे जो गिरावट है वो मुझे भी एक्सपेक्टेड है, तो ये हफ्ता कोई बहुत बड़ा नहीं है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आता है तो यहाँ पे एक बारी लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि चाइनीज इक्विटी मार्केट भी यहाँ पे काफी आउट परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है कि गोल्ड से थोड़ा सा यहाँ पे लोगों का ध्यान हटे और वो इक्विटी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि 88,000 अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये काउंटर ऐसा है जियोपॉलिटिकल टेंशन से इतने ज्यादा यहाँ पे कि एनी टाइम यहाँ पे एक शूट अप होता हुआ हम देख सकते हैं प्राइसेस में। ऑलराइट, तो अगर आपको ज्वेलरी लेनी है, फिजिकल मार्केट्स में काम करना है, शादियों के लिए खरीदना है, तो जैसे हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, कुछ मुनाफा वसूली आएगी उसके बाद भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की करेंगे, और वंदना यहाँ पर हल्की सी तेजी देखने को मिली है अक्रॉस बोर्ड, चाहे इंडियन मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, कुछ बहुत कंसर्न्स हर जगह से बनती हुई। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि एक दो काउंटर ने काफी स्ट्रांग मूव हम लोगों ने आता हुआ देखा है, और बहुत दिनों के वेट के बाद यहाँ पे ग्वार में हम लोगों ने अच्छा मूव आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि ग्वार यहाँ से अभी रनअप जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, हालांकि थोड़ी मुनाफा वसूली करनी चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ बाय में है। मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में बाय करना चाहिए 5750 के करीब, 5800 का करीब करीब टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5730 का। गम में भी मुझे लग रहा है जो इसकी डेरिवेटिव है यहाँ पे भी 11,655 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 11,925 का एक टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 11,500 का। और इस कमोडिटी में मुझे पोजिशनली लग रहा है कि एक बार 12,200 के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरी जो स्ट्रॉन्ग कमोडिटी इस काउंटर में हम लोगों ने 6,000 से रैली आता हुआ देखा है कैस्टर सीड में, प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है और मुझे लग रहा है कि ये काउंटर भी और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो यहाँ पे भी 6,900 पे एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, टारगेट होगा 6,965 का, स्टॉप लॉस फेस करना होगा 6,865 का। ओके, तो ये यहाँ पर ऑफकोर्स
स्ट्रैटेजीज आती हुई, लेकिन साथ ही साथ प्रथमेश अगर डॉलर इंडेक्स को देखा जाए तो वहां पर आपकी क्या सेंस है? बिकॉज इस हफ्ते काफी सारा डेटा है, पॉवेल की स्पीच है, काफी सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस भी हैं, इन्फ्लेशन डेटा है यहाँ पर यूरोजोन से, पीएमआई डेटा है यहाँ पर चाइना से, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स जापान से आने वाले हैं, तो इन दैट सेंस काफी डेटा हैवी वीक है और हमारे लिए ट्रंकेटेड है क्योंकि वेंसडे को हम यहाँ पर कारोबार नहीं करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स जो कि फिलहाल 100 के आसपास घूम रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको रिएक्ट करते हुए सारे डेटा को? आई थिंक बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं मनीषा, सो इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन भी इफ्स एंड बट्स में ही होगा, बट ये ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे है जहाँ पे 100 साइकोलॉजिकल बेंचमार्क माना जाता है, और इंटरेस्ट रेट कट्स जो 50 बेसिस पॉइंट का हुआ है उसके बाद जो ट्रेजेक्टरी है वो कट की ही तरफ ही है। सो जब जब कोई भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट कट होता है उसके करेंसी में वीकनेस दिखाई देती है, सो जैसे जैसे प्रोजेक्शंस इंटरेस्ट रेट्स के घटने के तेज हो जाएंगे वैसे वैसे डॉलर इंडेक्स में मोमेंटम जो है नीचे की तरफ का रहेगा। तो पॉसिबल नेक्स्ट जो मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है वो 98 की तरफ दिख रहा है। ओके, यानी कि मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल सकती है, अगर 100 का सर तोड़ता है तो उसका मतलब है फायदा हम यहाँ पर कमोडिटीज में इन दैट सेंस आता हुआ देखेंगे। प्रथमेश, नेचुरल गैस के बारे में हमने काफी समय से बात नहीं करी है, इवन एज 25% जो क्रूड ऑयल है गल्फ ऑफ मेक्सिको में उसकी प्रोडक्शन हरिकेन हेलेन की वजह से बंद है, क्या उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर एनर्जी पे आता हुआ देखेंगे? नॉट रियली मनीषा, मतलब एक्चुअल डिस्टर्बेंसेस जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और एक्चुअल हुआ है उसमें बहुत फर्क है, तो मेरे ख्याल से अगर प्राइस इंपैक्ट आना होता तो दोनों ही काउंटर क्रूड में भी आ जाता, नेचुरल गैस में भी आ जाता, बट ऐसे कुछ हुआ नहीं है। सो नेचुरल गैस अगेन ये इसका जो बेस है वो 220 के आसपास है और अपसाइड वाला जोन जो अभी है वो 270 के आसपास है, ये बीच में ही है, बट यहाँ पे अगर रैली मिलती है अपॉर्चुनिटी तो पॉसिबल 252 और 260 के टारगेट्स दोबारा से मिल सकते हैं, बिकॉज ये वॉलेटाइल काउंटर है। यहाँ पे जो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उनको 240 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, 16 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट जो 26 के रखिए। ऑलराइट, तो वो होल होस्ट ऑफ कमोडिटीज़ हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, चाहे वो सोना चांदी हो, मेटल्स, एनर्जी और एग्रीकल्चर, सभी में हमने आपको यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपने एक्सपर्ट्स के जरिए बताई हैं। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और काफ़ी स्पॉटिंगली वो सारे सवालों के जवाब भी देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।